वैष्णो भी इजी लाइफ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गुड़ और लाई की चिक्की बनाऊंगी। गुड़ को किसी के भी साथ मिलाकर बना सकते हैं, लड्डू, चिक्की, गज्जक जैसे मूंगफली, तिल, चौलाई या ज्वार बाजरा, मक्के के आटे के साथ भी घी में भूनकर लड्डू बना सकते हैं। गुड़ बहुत ही हेल्दी होता है। सर्दियों में गुड़ खाना सभी को अच्छा लगता है। गुड़ खाने से बीपी कंट्रोल होता है, पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो सब दूर होता है, कब्ज दूर होता है, पेट में गैस नहीं बनती है, कमजोरी दूर होता है, खून की कमी होती है तो उसमें भी बहुत फायदेमंद है। हमारी स्किन के लिए अच्छा है, स्किन पर ग्लो आता है। गुड़ में काफ़ी मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, कई तरह के मिनरल्स, विटामिन ए और सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। आज मैं गुड़ और लाई की चिक्की बनाऊंगी, तो चलती हूँ किचन में बना लेती हूँ। मुरमुरे के चिक्की बनाने के लिए मैं 1 कप गुड़ ली हूँ और 3 कप मुरमुरे ले लेंगे। मुरमुरे आप कप में भरें और एकदम बराबर कर लें, इस तरीके से 3 कप लेंगे। 2 कप हो गया, 3 कप मुरमुरे ले लिए। आप चाहें तो इस तरह से कटोरी ले लें, जैसे बर्तन लें उसी बर्तन से 3 कप मुरमुरे या लाई, इसे लाई भी बोलते हैं, और 1 कप गुड़, 3:1 का रेशियो आपको लेना है। इस बात का ध्यान देंगे तो ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मैं लाई को ड्राई रोस्ट कर लूँगी, हल्का सा कुरकुरा हो जाए बस। गैस का फ्लेम हाई ना करें, लो टू मीडियम रहने दें। लाई एकदम कुरकुरी हो चुकी है, हम दिखा रहे हैं दबाकर, इस तरीके से ऐसे आवाज़ आती है। इसे हम निकाल लेंगे, बस कुरकुरी होनी है, इससे ज़्यादा ना भूने। सेम कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें मैं 2 चम्मच घी डालूँगी। घी डालने से चिक्की में अच्छा साइन आता है और गुड़ भी आसानी से गल जाता है, तो मैं 1 कप जो गुड़ ली हूँ उसे डाल दे रही हूँ। अभी गैस का फ्लेम लो रखेंगे, नहीं तो गुड़ जल जाएगा। वैसे लो फ्लेम पर ही गुड़ को पकाना है। गुड़ पकना शुरू हो गया, इस तरीके से गुड़ पकने लगे तब इसे चेक कर लें। उसके पहले मैं इसमें 1/2 चम्मच सोल्ट पाउडर डाल दे रही हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। मिला लेंगे सोल्ट को, उसके बाद गुड़ को हम चेक कर लेंगे। जब गुड़ इस तरह से इकट्ठा हो जाए, फैले ना, पानी में घुले ना, तब समझ लो तैयार हो गया है। अब मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ, लाई को डाल दे रही हूँ। लाई को डालकर अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हम नीचे उतार कर इसे सेट कर लेंगे। इसको थोड़ा जल्दी करें मिलाने के बाद, नहीं तो कढ़ाई में ही ये सेट हो जाएगा ठंडा होकर। जिसमें आपको जमाना हो उसमें पहले से घी या तेल लगाकर तैयार करे रखें। तुरंत इसको दबा देंगे, जिस बर्तन में जमाना हो सेट कर दें। इसे मैं बढ़िया से दबा दी हूँ अच्छे तरीके से, और तुरंत ही इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा कट का निशान लगा दें। पीस अपने हिसाब से थोड़ा छोटी या बड़ी कर सकते हैं। अभी कट के निशान लगा देंगे तो बाद में आसानी से कट जाएगा। इस तरह से कट के निशान लगा देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे 5 मिनट, उसके बाद हम निकाल लेंगे। 15-20 मिनट बाद ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, आप हाथ लगा कर दबा कर देखें। और सबसे अच्छी बात है कि ये छोड़ देता है एक ही बार में, इस तरीके से चिपकता नहीं है। ये देखें, इसे मैं बाहर निकाल कर काट ले रही हूँ। काटने के निशान लगाई थी तो ये जहाँ लगाई हूँ निशान, वहाँ से निकल भी जा रहा है आसानी से। ये देख कितनी बढ़िया है चिक्की। आपको लगे ये चिपका है, वैसे चिपका तो नहीं है, मैं तोड़ूंगी तो ये टूट जाएगी, क्योंकि पहले काटने के निशान लगा दिए थे ना, तो आप ऐसे चाकू रखेंगे ना उसी निशान पे जहाँ लगाए हैं और ऐसे दबा दें। ये देखें आसानी से कट जाता है। ये बढ़िया से अलग हो गया,
सारी पीस हम अलग कर लेंगे। बिल्कुल कुरकुरा है, बहुत जल्दी बन जाता है, एक बार आप ट्राई करके तो देखें। आप चाहें तो अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट से सजा दें, बहुत जल्दी बन जाता है, बिल्कुल कुरकुरा है और हेल्दी भी है, घी तेल नहीं लगता है, गुड़ हेल्दी होता ही। इस तरीके से आप बनाएं, पीस हम तोड़ के दिखा रहे हैं, ये देखें बहुत कुरकुरा होता है ये खाने में। लाई और गुड़ की चिक्की बहुत जल्दी से बन जाती है, टाइम नहीं लगता है। गुड़ आप जब गलाते हैं, गर्म हो जाए, थोड़ा पकने लगे, उसको आप किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर निकाल कर चेक करें, गुड़ पानी में फैले ना, इकट्ठा हो जाए, सेट हो जाए, तब गैस ऑफ करके लाई उसमें डालकर मिक्स करके तुरंत किसी थाली प्लेट में जमा लें, उसमें तेल लगा लें ताकि चिपके ना। बहुत जल्दी से ये ठंडा हो जाता है, 3-4 मिनट के अंदर। अगर आप नहीं जमा देंगे तो वो जमेगा नहीं, एकदम कड़क हो जाता है। गुड़ खाएं, सभी के लिए अच्छा है, हेल्दी होता है। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनके लिए मीठा अच्छा नहीं होता है, चाहे वो गुड़ हो या चीनी। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।